तो गाइस कैसे हो आप सब। होप आई होप सब सही होंगे। तो कल हमने 20th क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन होगा 21। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाएँ। हम यहाँ पर सीटेट, KVS और UPTET के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 21th क्वेश्चन है, कल हमने 20 कर लिए थे। तो 21 क्वेश्चन है, ए टीचर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंजेस। इसमें कहा है कि टीचर का सबसे जो इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़िए आप, टू मेक स्टूडेंट टू देयर वर्क होमवर्क, और सेकेंड ऑप्शन है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, थर्ड ऑप्शन हमारा टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, फोर्थ ऑप्शन है टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर। अब आप पढ़िए एक बार और मुझे आंसर दीजिए फटाफट। सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड। इसमें हम सेकंड ऑप्शन लगाएंगे, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। हमारा बेसिकली टास्क होता है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट रखें, हम टीचिंग लर्निंग को इंजॉयबल बनाएं। हमारा ये टास्क कभी नहीं होता कि हम बच्चों को होमवर्क दे और उनको होमवर्क में इन्वॉल्व रख दे, उनको बिजी कर दे। और ये भी टास्क नहीं होता कि एक क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है, डिसिप्लिन मेंटेन है, वो क्लास अच्छा काम कर रही है, ये हमारा कभी भी इंडिकेशन नहीं होता। और क्वेश्चन पेपर बनाना एक इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। सो टीचर को क्लास को इंजॉयबल बनाने का एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, अब हम करते हैं 22 क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू, इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वेलकमिंग ऑल चिल्ड्रन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन रेगुलर स्कूल, सेकेंड है ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ एजुकेशन दैट हेल्प ऑल चिल्ड्रन टू लर्न, थर्ड ऑप्शन है एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, एंड फोर्थ ऑप्शन है यूज द स्पेशल स्कूल फॉर टीचिंग। आप इसमें हमें सेकेंड में बताइए, 22nd में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली होता है जब हम सबको इंक्लूड करके पढ़ाते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, वेलकमिंग ऑल चिल्ड्रन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन देयर रेगुलर स्कूल। तो हम 22 का लगा देते हैं फर्स्ट ऑप्शन। सो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट। बेसिकली री इन्फोर्समेंट होता है कि हम बच्चों को बढ़ावा देना, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव वर्बल री इन्फोर्समेंट, सेकेंड ऑप्शन है फिजिकल पनिशमेंट, थर्ड है नेगेटिव वर्बल री इन्फोर्समेंट, फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए पॉजिटिव वर्बल री इन्फोर्समेंट, इसमें होता है कि जब हम बच्चों को शाबाशी देते कि वेरी गुड वेल डन ऐसा बोलते हैं, उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्बल री इन्फोर्समेंट। हमने पॉजिटिव बोला बच्चों को और हमने कुछ वर्ड्स यूज किया उसके लिए, वर्बली हमने बोला है। फिजिकल पनिशमेंट होता है कि जब हम बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं, वो हम मानते हैं कि वो एक तरह से नेगेटिव री इन्फोर्समेंट होता है। और नेगेटिव वर्बल री इन्फोर्समेंट, इसमें हम बच्चों को डल बैकवर्ड इन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो इसमें हमें फोर्थ सही लग रहा है सबसे। इसमें पूछा इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट। देखिए सही है। अब बढ़ते हैं हम 24th क्वेश्चन की तरफ। तो ए पर्सन इज, ये तो थोड़ा इस CDP से रिलेटेड नहीं है, तो हम करते हैं 25th क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू डेवलप मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स द टीचर शुड एनकरेज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, सेकेंड ऑप्शन है सेट एन अनअचीवेबल गोल बिफोर स्टूडेंट्स, तो अब हमारा है 26th क्वेश्चन और 25th। इन ऑर्डर टू डेवलप मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट टीचर शुड एनकरेज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, सेकेंड ऑप्शन है सेट एन अनअचीवेबल गोल बिफोर स्टूडेंट्स, थर्ड है यूज न्यू टेक्निक्स एंड नोवल मेथड्स, फोर्थ है रिड्यूस देयर लेवल ऑफ एस्पिरेशन। अब पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूछना क्या चाहता है कि हम इन ऑर्डर टू डेवलप मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स, हम अगर स्टूडेंट्स में मोटिवेशन डेवलप करना चाहते हैं तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। एनकरेज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन,
ये कौन सा तरीका होता है कि हम उनके सामने कंपटीशन रखें और वो एनकरेज हो जाएगी, मोटिवेट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। सेट एन अनअचीवेबल गोल बिफोर स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को ऐसे गोल दे दे कि वो अचीव ही ना कर पाए, वो कौन सा मोटिवेट हो जाएंगे उससे। अब थर्ड देखते हैं, यूज़ न्यू टेक्निक्स एंड नोवल मेथड। हम बच्चों के साथ नई नई टेक्निक्स और नए नए मेथड्स यूज़ करें जिसमें बच्चे इंटरेस्ट ले और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट रहे, तो उससे हो सकता है कि बच्चे मोटिवेट हो जाए किसी काम को करने के लिए। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं 26th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें देख लेना कि नॉट लीस्ट, ये जो कुछ वर्ड्स होते ना ये एक नंबर बड़े जल्दी खा जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इट इज स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, इट रिड्यूस्ड स्ट्रेस अमंग लर्नर्स, थर्ड इट यूज ग्रेड इन प्लेस ऑफ मार, फोर्थ इट एक्यूमुलेट्स बर्डन ऑन टीचर्स। तो आप देख रहे होंगे कि स्कूल बेस्ड होता है, जो सीसी होता है हमारा, वो रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है कहीं ना कहीं, और ग्रेड देते हैं हम उसमें, मार्क्स ज़्यादा अलॉट नहीं करते उसमें, ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि ए प्लस ए, बी प्लस बी, ये वाले ग्रेड्स। लेकिन इसका ये नहीं है कि वो टीचर्स के ऊपर बर्डन डाल देते हैं, टीचर्स के ऊपर बर्डन नहीं होता, टीचर्स एक तरह से पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली बच्चे को इवेल्युएट कर पाते हैं और कंटिन्यूसली इवेल्युएट करते हैं, तो जिससे हम बच्चों की एबिलिटी कैपेबिलिटी सब का पता लगा सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है बच्चे को इवेल्युएट करने का, ठीक है। तो ये नहीं होता कि टीचर्स के लिए बर्डन होता है, ठीक है। इसमें हम फोर्थ आंसर हमारा सही होगा 26 में। अब हम बढ़ते हैं 27th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखिए 27th क्वेश्चन है हमारा, एन इफेक्टिव लर्नर इज वन हु कैन कंट्रोल द क्लास। फर्स्ट है गिव मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम, थर्ड है मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, फोर्थ है करेक्ट द असाइनमेंट केयरफुली। जो लर्नर होता है इफेक्टिव लर्नर टीचर, वो क्या होता है, कंट्रोल, क्लास को कंट्रोल कर लिया, उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ये इफेक्टिव टीचर्स की कभी भी पहचान नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है गिव मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम। इसका मतलब है कि टीचर्स बड़ी तैयारी में है, बड़ी बच्चों को देख नहीं रहा कि बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंस भी देखना है, हर बच्चे को हमें समझा के चलना है, तभी एक इफेक्टिव टीचर होता है। ये नहीं कि हमने आगे फटाफट पढ़ा दिया और हो गया काम, हमने बहुत कम टाइम में एक चैप्टर करा दिया, वो टीचर्स की इफेक्टिविटी है, बिल्कुल नहीं। मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, ये सबसे अच्छी बात होती है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, हाँ सीखने के लिए उनको प्रेरित करना कि सीखना है वो, उनको अलग अलग मेथड से बच्चों को समझाना ताकि सब बच्चे समझ पाए। फर्स्ट 28th क्वेश्चन हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज द आउटकम, फर्स्ट है कोठारी कमीशन, सेकंड है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005, थर्ड है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, फोर्थ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 एनसीएफ 2000। तो जो पहले हम समझ लेते हैं ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड होता क्या है। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड बेसिकली 1986 जो एनपीई न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी, इसमें कहा गया था कि एलिमेंट्री या प्राइमरी लेवल पे हमें हर क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। बेसिकली एक असेंशियल चीज़ हो गई थी कि बिना इसके हमारा क्लासरूम कंप्लीट नहीं होगा, हमें जितनी भी चीज़ें समझानी है वो हमें ब्लैक बोर्ड पे ऑपरेट करके समझानी है कि बच्चे को, जो बच्चा फिजिकल वो आई ब्लाइंड है वो देख के वो करके सुन के समझ पाए, और जो बच्चा देख नहीं वो जो बच्चा सुन नहीं पाता देख पाता है वो ब्लैक बोर्ड से देख कर समझ पाए। तो हम बेसिकली हम सारी इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करने के लिए छोटे लेवल पे ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड जो हर क्लास के लिए कंपलसरी होता है वो 1986 की एनपीई के रिगार्ड के तहत आया था। अब करते हैं 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग, कोग्नेटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कोनेटिव डोमेन एंड स्पिरिचुअल डोमेन। हमने तीन डोमेन तो पढ़ी है, कोग्नेटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव, स्पिरिचुअल हमने पढ़ी नहीं है। कोग्नेटिव में हमारा जो होता है ना, कोग्नेटिव हमारा बुद्धि से रिलेटेड होता है, अफेक्टिव में हमारे इमोशंस होते हैं, और कोग्नेटिव में हमारे फिजिकल मोटर चीज़ें आती है। तो स्पिरिचुअल हमारा कभी भी
एक डोमेन नहीं होता ऑफ लर्निंग का, ठीक है। हमारा आज 30 क्वेश्चन है, क्लासरूम आफ्टर इम्प्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट 2009 आर अनअफेक्टेड एज आरटीई डज नॉट अफेक्ट द एवरेज एज ऑफ द क्लास इन द स्कूल। सेकेंड एंड जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस, एज वाइज मोर हेटरोजीनियस एंड एज वाइज मोर हेटरोजीनियस। तो आप बताइए, जो आरटीई राइट टू एजुकेशन, तो इसमें था कि हम एक पर्टिकुलर एज जैसे 6 to 14 ईयर को सबको कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, तो हमें एज एज का पता चल रहा है कि हम इस एज के बच्चे को इन क्लासों में रखेंगे, है ना, कि 6 to 14 ईयर के बच्चे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेंगे। मतलब हम उनकी जो नेसेसरी एजुकेशन है, एसेंशियल एजुकेशन है, उसको हम फ्री में कंप्लीट करा पाएंगे और ये कंपलसरी है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये ऐसा तो नहीं है कि अनअफेक्टेड रह गया, जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस हो गया, एज वाइज मोर होमोजीनियस, एज वाइज मोर हेटरोजीनियस। हेटरोजीनियस होता है कि अलग अलग बच्चा होमोजीनियस, सॉरी सॉरी, इसमें होमोजीनियस हमारा आएगा। इसमें बोलेंगे कि हम इस एज से इस एज के बच्चे हमें पढ़ाने, बेसिकली उनके लिए हमने आरटी राइट टू एजुकेशन बना दिया कि इनके लिए ये एजुकेशन कंपलसरी है।